हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो फाइनली मार्वल की नई सीरीज अगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड रिलीज हो चुके हैं एंड आज हम करने वाले उनका ब्रेकडाउन। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इसे देखने से पहले वांडा विजन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे पूरी तरह से कनेक्टेड है। एंड अब जो वांडा विजन की बात हुई है तो तुम्हें एक ब्रीफ हिस्ट्री भी दे देता हूँ। सो जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सिर से जादुई मणि निकाल लेते हैं, वेट ओके रॉन्ग यूनिवर्स आई मीन जब थानोस विजन के सिर से माइंड स्टोन निकाल लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए वांडा सब कुछ छोड़ छाड़ कर वेस्ट व्यू नाम के एक टाउन में चली जाती है और वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है। नहीं, बल्कि वो वहाँ जाकर पूरे टाउन को अपने स्पेल से काबू में कर लेती है और साथ ही विजन और अपने दो बच्चों को भी क्रिएट करती है। लेकिन अगाथा भी वहाँ उसके साथ रहती है जिसका ये शो है और ये वांडा के बारे में सब कुछ जानती है। सो सीरीज के लास्ट में इन दोनों की फाइट होती है जिसमें अगाथा हार जाती है और वांडा इसकी सारी पावर्स ले लेती है और उस पर एक स्पेल करती है जिससे अगाथा को लगे कि वो उसी की बनाई कैरेक्टर एग्नेस है। सो इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड भी यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम अगाथा को देखते हैं। वो एक डिटेक्टिव है और एक सॉन्ग गुनगुना रही है। अब ये कोई आम सॉन्ग नहीं है बल्कि एक चांट है जो जादूगरनियां गाती हैं विचेस रोड का रास्ता ओपन करने के लिए। अब क्योंकि अगाथा को ये सॉन्ग अभी भी याद है, इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं, या तो इसकी मेमोरीज पूरी तरह से गई नहीं है या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के मरने से उसका स्पेल भी कमजोर हो गया है। वेल, तो अगाथा एक क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां हमें हर्ब मिलता है। ये दोनों एक बॉडी के पास जा रहे हैं और हर्ब बताता है कि जीनडो की मौत का कारण है सिर पे लगी चोट, क्योंकि किसी बड़ी और भारी चीज ने इसे कुचल दिया था। क्यों, कुछ याद आया? बट अब तुम लोग नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब विदेशी ठुल्लो को किसी डेड फीमेल की आइडेंटिटी नहीं पता होती तो वो उसे जीनडो ही कहकर बुलाते हैं। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बॉडी किसकी है। सो अगाथा को यहाँ अपना ब्रॉच मिलता है जो उसने वांडा विजन में पहना था। साथ ही उन्हें बॉडी से एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है जिस पर एक बुक का नाम लिखा है। लेकिन जब अगाथा इसे इन्वेस्टिगेट करने लाइब्रेरी जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पूरा सेक्शन ही जला हुआ है जहां उस बुक की कॉपीज रखी थी, जैसे किसी ने काले जादू का इस्तेमाल करके जानबूझ के ऐसा किया हो। मिस्ट्री। बट जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो फिल उसे बताता है कि बॉडी के नाखून से मिट्टी के सैंपल मिले हैं जो यहाँ के नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप के हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि माउंट वंडागोर भी वहीं पर है। लेकिन अब क्योंकि बात इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी है तो इंटरनेशनल ठुल्ले भी इन्वॉल्व होंगे, आई मीन FBI। इन्हें हर जगह अपनी टांग घुसानी है। खैर, तो यहाँ में विडेल नाम की एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस की जाती है जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये डेफिनेटली जानती है कि अगाथा कौन है और वो एक स्पेल के अंडर है। इसलिए वो उसे इस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए कुछ चीजें कहती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। खैर, तो फिर अगाथा उस ब्रॉच को लेकर नॉर्म के पास जाती है जो उसे बताता है कि ये असल में एक लॉकेट है जो कि लेट 17th सेंचुरी से बिलोंग करता है और इसके अंदर किसी के बाल हैं। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब अगाथा उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी होती है तब उस बुक का नाम देखते हैं जिसे लेने वो लाइब्रेरी गई थी। सो बुक का नाम है डायलॉग एंड रिटोरिक नोन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट और इसके नाम के इनिशियल्स को मिलाकर डार्क होल्ड बनता है। मतलब समझ रहे हो दया? कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगाथा अपने घर चली जाती है और यहाँ में निकोलस क्रैच का एक रेफरेंस दिया जाता है। सो ये कॉमिक्स में अगाथा का बेटा होता है और मैं तुम्हें बता दूं कि ये हरामजादा एक नंबर का कपूत है। बाद में अगाथा के घर में एक बच्चा चोरी करता है जिसे अगाथा पकड़ लेती है। अब हमें इसका नाम तो नहीं पता चलता क्योंकि ये स्पेल बाउंड है, इसलिए अगाथा इसे टीन कहकर बुलाती है। फिर अगाथा उसे इंटेरोगेट करती है तो टीन रोड का जिक्र करता है, लेकिन अगाथा को नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। बट यहाँ वांडा का स्पेल धीरे धीरे टूटने लगा है क्योंकि पहले बॉडी की फोटोज फूल पत्तियों में बदल जाती है और फिर वो मिरर जहाँ विडेल खड़ी है वो एक पेंटिंग में चेंज हो जाता है, जिससे अगाथा को लगता है कि उसके साथ कुछ केमिकल लोचा हो गया है, इसलिए वो बॉडी चेक करने जाती है। जहाँ पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो वहाँ पर अचानक एक बॉडी आ जाती है जिसके टो पर वही लाइब्रेरी लॉग लगा है और उस पर लिखा है W मैक्सिमोफ, यानी वांडा मैक्सिमोफ। बस इसी की देरी थी और वांडा का स्पेल पूरी तरह से टूटने लगता है और अगाथा एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है, क्वाइट लिटरली, और खुद को अपने घर में पाती है जहां उसे पता चलता है कि वो स्पेल में 3 सालों से ट्रैप है। ऊपर से वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर सकती। फिर वो अपना क्लोजेट चेक करती है तो उसमें टीन बंधा हुआ है जिसे उसी ने किडनैप किया है। लेकिन फिर दरवाजा तोड़कर विडेल एक धांसू एंट्री लेती है। Surprise, motherfucker. अब अगाथा और विडेल की आपस में फाइट होती है और हमें हिंट दिया जाता है कि इन दोनों के बीच शायद कुछ तो था। उसके ऊपर से ये दोनों ही कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि ये अलाउड नहीं है, जिसका मतलब है जादूगरनियों के भी कुछ उसूल होते हैं। लेकिन फिर विडेल अगाथा को बताती है कि सेलम 7 उसे मारने आ रही है। सो बेसिकली ये 7 विचेस का एक पावरफुल ग्रुप है और ये सब निकोलस क्रैच की बेटियां हैं, मतलब ये सभी अगाथा की ग्रैंड डॉटर्स हैं। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है टीन से, जो अगाथा से कहता है कि मुझे विचेस रोड पर ले चलो। अब पहले तो अगाथा इनकार करती है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर बाद में हमें पता चलता है कि अगाथा वहाँ जा चुकी है और सरवाइव भी कर चुकी है। खैर, तो यहाँ टीन बताता है कि उसी ने अगाथा को आजाद किया है, जिस पर वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि स्कारलेट विच का स्पेल तोड़ना कोई मजाक नहीं है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है, बट एज आई टोल्ड यू ये स्पेल बाउंड है, इसलिए जब ये अपना नाम बताता है तो उसके मुंह पर एक M बन जाता है। अब शायद ये
मेफिस्टो हो सकता है। चुप! खैर, तो विचेस रूट तक जाने के लिए इन्हें एक कवन की जरूरत है जो कि इनके पास है नहीं, तो ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी टीम को पूरा करने के लिए। सो सबसे पहले ये जाते हैं लिलिया कार्डेरो के पास, काफी अजीब सा नाम है, जो कि इन्हें बाकी विचेस का नाम बताती है। देन लिस्ट में सेकंड नंबर है जेनिफर केल का, जो कि एक पोशन विच है। फिर वो एलिस के पास जाते हैं, जो कि ब्लड ऑफ विच है, यानी एक विच की बेटी। अब बस इन्हें ग्रीन विच चाहिए जो कि विडेल है, लेकिन अगाथा उसे नहीं बुलाना चाहती, इसलिए वो मिसेस डेविस को उठा लाती है। सो ये लोग घेरा बनाकर एक गाना गाते हैं जिससे विचेस रोड का गेट खुल जाता है, और दूसरी तरफ सेलम सेवन भी वहां आ चुके हैं, लेकिन उनके हत्या चढ़ने से पहले ही ये सब वहां से भाग जाते हैं। अब ये लोग विचेस रोड पहुंच चुके हैं, एंड आगे क्या होगा ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारे इन एपिसोड्स को लेकर क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।